माथेरन। माथेरन एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है जो पुणे और मुंबई के पास सिचुएटेड है। शहर की भीड़भाड़ से दूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ यादगार पल बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है माथेरन। तो यस गाइस, आपका स्वागत है अंजलि इस ब्यूटीफुल स्काई में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे पुणे से माथेरन पहुंच सकते हैं। पुणे से माथेरन का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है और पुणे से माथेरन पहुंचने में आपको लगते हैं अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर्स। आप बाई बस, बाई कार या फिर ट्रेन से माथेरन पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से माथेरन जाना चाहते हैं तो आपको पुणे की शिवाजी नगर बस स्टॉप से बसेस मिल जाएंगी। टिकट्स भी बहुत रीजनेबल हैं और कोई स्टॉप भी नहीं है, तो आप से 2.5 घंटे में माथेरन पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी खुद की कार या फिर कैब बुक करके भी पुणे टू माथेरन पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे या फिर मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे के रूट से जाना होगा। तो हम लोग माथेरन गए थे बाय ट्रेन, इसलिए अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हमारी ट्रेन जर्नी फ्रॉम पुणे टू माथेरन। बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो आपको पुणे टू माथेरन पहुंचाएंगी और हमारी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग 6:30 की थी। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन लीजिए, सो दैट कि आप होटल में चेक इन के टाइम पे पहुंच जाए और फिर वो पूरा दिन आप यूटिलाइज कर सके माथेरन घूमने में। तो यस, अभी हम हैं ट्रेन में और हमारी ये ट्रेन है करजत स्टेशन तक और वहां से हम लोकल ट्रेन के थ्रू नीरल स्टेशन पहुंचेंगे और फिर उसके आगे हम माथेरन के लिए जाएंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग नीरल पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का टाइम है, भूख भी लग गई है, तो चलिए अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अगर आपने ऑनलाइन अपना होटल बुक नहीं किया है तो आपको नीरल में ऐसे बहुत सारे होटल बुकिंग ऑफिसेस मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना होटल बुक कर सकते हैं या फिर आप माथेरन पहुँच कर भी अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। तो नीरल से माथेरन जाने के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो माथेरन के हिल स्टेशन पर पहुँचाने के लिए 2 घंटे लेती है और टिकट भी रीजनेबल है। लेकिन अभी क्योंकि टॉय ट्रेन बंद थी इसलिए हमें इस टैक्सी के थ्रू जाना पड़ा और पर पर्सन टिकट है ओनली 80 रुपीज। हम लोग हैं नीरल में और यहाँ से हम टैक्सी से जाएंगे माथेरन। यस, तो गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी माथेरन आए तो नीरल से माथेरन हिल स्टेशन जाने के लिए टॉय ट्रेन ही ले। लेकिन अभी टॉय ट्रेन बंद है क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो ट्रैक थोड़ा खराब हो गया है। सो हमें टैक्सी के थ्रू जाना पड़ रहा है माथेरन। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा चाहती थी टॉय ट्रेन का सफर करना, बट डेफिनेटली मैं एक बार यहाँ पे जरूर आऊंगी फिर से और सिर्फ टॉय ट्रेन में मजे करने के लिए। नीरल से माथेरन हिल स्टेशन पहुंचाने के लिए आपको टॉय ट्रेन लेती है अप्रोक्सीमेट 2 घंटे और वही सफर जब आप टैक्सी से पूरा करते हैं तो आपको लगते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट। लेकिन टॉय ट्रेन में जर्नी करने का अपना एक अलग ही मजा है गाइस। तो अगर आप बस या फिर कार के थ्रू आ रहे हैं माथेरन तो आपको दस्तूरी नाका तक ही आने को मिलेगा क्योंकि उसके आगे व्हीकल अलाउड नहीं है और उसके आगे आपको माथेरन तक ऊपर जाने के लिए या तो आप फिर टॉय ट्रेन के थ्रू जाएंगे या फिर ऐसे हाथ रिक्शा कर सकते हैं, आप घोड़ों के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ट्रैकिंग करके खुद पैदल भी जा सकते हैं। तो हम कैसे पहुंचे माथेरन के हिल स्टेशन तक, उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है कि माथेरन में हॉर्स राइडिंग एंड हाथ रिक्शा की जो राइड है उसके ऊपर, और उसका लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी गाइस, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं और इसके आगे भी माथेरन की और वीडियोज अपलोड करूंगी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और मेरी जो जानकारी है वो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।